तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक करनी है। देन आपको इसे बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। आप चलते हैं, हम अपने पी कार्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। देन आपको कुछ इस तरह बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। अब हम ऐड फोटो में जाकर हम अपना मॉडल को ऐड कर लेंगे जो हमने इरेज कर कर रखा हुआ है। और इसे कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेनी है। देन ऊपर इरेजर पर क्लिक करना है और आपको इरेज पर जाकर साइज को कम कर कर एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस तरह से इरेज कर लेना है। ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, साइज को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। देन आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसे आपको कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है ताकि आपको बिल्कुल भी पता ना चल पाए। देन इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं गैस, हमारा फोटो पूरी तरह एडजस्ट हो चुका है। देन इसे डन कर देते हैं। अब आपको चलना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। ये रहा हमारा इफेक्ट और आपको दूसरे नंबर पर एफएक्स दिख जाएगा। इस पर आपको एचडीआर पर क्लिक करना है। देन इसे ऊपर इरेजर पर क्लिक करना है और आपको इन्वर्ट कर देना है। साइज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और ब्रश आपको कुछ इस तरह अपने शर्ट पर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पूरे शर्ट पर ब्रश कर देता हूँ। देन इसे डन कर देते हैं। अब हम अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे और फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। ये रहा हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। देन हम लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, कॉन्स्ट्रैक्ट को हल्का सा डाउन कर लेना है, हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है गाइस, शेडो को भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और वाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ब्लैक को भी थोड़ा सा डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह गाइस। देन ग्लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे। देन इफेक्ट में जाएंगे और कैपेसिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हमारा फोटो
पहले कुछ इस तरह था और अब कुछ इस तरह हो चुका है, और इसे शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये एडिटिंग वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आपको एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में।